नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अभी तक तो आप सभी ने सिर्फ यही सुना होगा कि मेरा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन शायद आप लोग इस बात से रूबरू नहीं होंगे कि मेरा देश सालों पहले भी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने में पीछे नहीं रहा। चाहे सभ्यता की शुरुआत हो या कला के जन्म की बात, भारत ने हर क्षेत्र में एक नई उपलब्धि को ही हासिल किया है। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो भारत का मुकाबला शायद ही कोई दूसरा देश कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूसरे देशों को हिलाकर रखने वाले और साथ ही भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा करने वाले परमाणु परीक्षणों की। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। ये है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्थित गांव खेतोलाई, जहां 11 और 13 मई 1998 को भारत की ओर से किए गए 5 परमाणु परीक्षण की अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भनक तक नहीं लगी थी, जिसका उसे आज भी मलाल होगा। पूरे विश्व में परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी करने वाला अमेरिका उस समय स्तब्ध रह गया था जब भारतीय वैज्ञानिकों ने 11 मई और 13 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। 1974 के बाद 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो विश्व के सारे देश भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत सरकार पीछे नहीं हटी और 13 मई को फिर से परमाणु परीक्षण किया। 98 को परमाणु परीक्षण खेतोलाई में हुआ था और इसलिए समस्त ग्रामीण वासी हम गौरवित महसूस कर रहे हैं और हम सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रखें, सुदृढ़ बनाए रखें। 11 मई आज पोखरण परीक्षण का दिन है। पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके लिए मैं केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूँ कि पोखरण में भी एक वार म्यूजियम की स्थापना की जाए, जिससे पोखरण के अंदर एक तो पोखरण सेंटर पॉइंट भी है और पोखरण के पास बाबा रामदेव तीर्थ स्थल भी है, तो यहाँ पर भी काफी लोग गुजरात से, दिल्ली से काफी संख्या में लोग आते हैं। खेतोलाई वासियों के अनुसार परमाणु परीक्षण से पहले उनके इलाके में सेना की गतिविधियां तेज हो गई थी। ग्रामीणों के अनुसार परमाणु परीक्षण से कुछ घंटे पहले गांव खाली करवा दिया गया था। लोगों को दीवारों और पेड़ों की ओट में खड़े रहने की हिदायत सेना के अधिकारियों ने ही दी थी। उस समय लोगों को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। यही नहीं, 20 साल पहले का मंजर लोगों के जहन में आज भी ताजा है। खेतोलाई के पास फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण की गूंज ने देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उससे हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार ने चुप्पी साध ली इसके बारे में। न तो हमारी कोई सुध ली, न हमें कोई कारण पूछा या हमारी कोई कमजोरी पूछी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हालचाल, क्या है हालचाल भी तक ही नहीं पूछे। अब हमारे यहाँ रेडी धर्मिता, हम तो ये समझ रहे हैं रेडी धर्मिता है। इस परमाणु विस्फोट के बाद में जो गर्मी आई है ये बहुत ज्यादा आई है। देश की सरकार, वैज्ञानिकों और रक्षा विभाग ने तय कर लिया था कि परमाणु परीक्षण की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए कई महीनों तक तैयारी की गई। सूत्रों के मुताबिक फील्ड फायरिंग रेंज में परमाणु परीक्षण से पहले रोजाना खेल गतिविधियां आयोजित की जाती थीं। अमेरिका व अन्य देश के सैटेलाइट की स्थिति को भांप कर काम किया जाता था। परीक्षण सफल होने के बाद फोन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लाफिंग बुद्धा के रूप में सफलता का संकेत दिया गया। पूरा कार्यक्रम इतना गुपचुप तरीके से हुआ कि सभी अत्याधुनिक सैटेलाइट तकनीकें धरी की धरी रह गईं और भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। वर्षों तक जो है इस धरती पर गर्मी में, सर्दी में, तूफान के अंदर जिस एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ में परमाणु विस्फोट के लिए जो कार्य किया एक वैज्ञानिक के रूप में,
उस समय में तो हम उनको मिलिट्री की वेस्ट में होने से ज्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन जब वे राष्ट्रपति बने और ये मालूम पड़ा कि सारे इस परमाणु विस्फोट के सूत्रधार वही हैं, तो हमें निश्चित रूप से गर्व हुआ कि एक महान शक्ति जिसके इस धरती पर भी जो है वो पांव पड़े और इन्होंने एक बहुत बड़ा महती कार्य जो है विश्व के अंदर भारत की ओर से करके दिखाया है। इस रिपोर्ट से एक बात तो तय है कि अगर भारत यूं ही अपनी एकता दिखाए तो विज्ञान ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में भारत को कोई नहीं पछाड़ सकता। भारत के लिए ये कामयाबी कोई पहली या आखिरी नहीं थी, बल्कि भारत ने और भी ऐसी कई कामयाबी हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उम्मीद है कि भारत आज भी यूं ही देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा करता रहेगा। A1 टीवी के लिए जैसलमेर से किशोर सोलंकी की रिपोर्ट। जोधपुर में चल रहे पंचायतों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के आयोजन के संबंध में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों ने भाग लिया। आपको बता दें कि जिले में चल रहे राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 की समीक्षा की गई, साथ ही पंचायतों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों को इन दोनों अभियानों में अधिक से अधिक जन भागीदारी का आह्वान किया। बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों के देरी से आने पर जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और इस प्रकार के कार्यों की गंभीरता को समझने की हिदायत दी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र की 11 टीके ग्राम पंचायत में बुधवार को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की नामांतरण, इंतकाल, भूमि बंटवारा संबंधित कई समस्याओं का प्रशासन द्वारा निराकरण किया गया। शिविर में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में नगरपालिका की ओर से प्रमुख बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने के को विरोध भी किया, लेकिन नगरपालिका ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाया। कार्रवाई नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में की गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत 61 GB में विधवा पेंशन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। 61 GB की विधवा महिला करतार कोर को डाकघर में पेंशन मिल रही थी। 2016 में सरकार ने पेंशनधारियों को राहत देने के लिए ग्राम पंचायत पर पेंशन देने के लिए ई मित्र से जोड़ा। ग्राम पंचायत के ई मित्र संचालक ने विधवा की पेंशन को अन्य खाते से जोड़ दिया। 15 माह से करतार कोर की पेंशन किसी और के खाते में जा रही है। बुजुर्ग महिला ग्राम सरपंच ओक ग्राम सचिव के गुहार लगा रही है, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्राम सचिव गिरीश कुमार ने बताया कि गलत फीडिंग होने के कारण पेंशन नहीं मिल रही, फीडिंग दोबारा करवाकर पेंशन शुरू करवा दी जाएगी। झालावाड़ के बाघेर गांव में एक बेकाबू ट्रोला एक मकान के अंदर जा घुसा। हादसे में एक जने की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल हो गया। घायल को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गांव में बेकाबू ट्रोला तेज गति में मकान में घुस गया, इससे मकान में बैठे 35 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के रिंगस कस्बे में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगाने से इलाके में सनसनी फैल गई। आग सरगोठ स्थित अग्रवाल प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। वहीं आग की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र बेनीवाल मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगाने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तर की बैठक ली। बैठक में डीएसपी सोहनलाल, तहसीलदार दानाराम, विकास अधिकारी दिलीप कुमार सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। उपखंड अधिकारी ने सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने लोगों का समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़जी थाना इलाके के बड़ा गांव में गुढ़ागोड़जी पुलिस की पिटाई हो गई। पुलिस ने इस मामले में राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपियों को भी शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बड़ा गांव से सीथल जीएसएस के लिए लाइन खींची जानी थी, जिसे लेकर पहले से ही विवाद था। अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और लाइन खींचनी शुरू कर दी। थोड़ा काम करने के बाद एक जगह पर पोल लगाने के लिए गड्ढा खोदा तो तीन युवक आ गए और उन्होंने एतराज दर्ज किया। मामले में इतनी गर्मागर्मी हुई कि मारपीट शुरू हो गई। इसमें पुलिस कर्मियों को चोटें आई। एईएन श्रवण कुमार की रिपोर्ट पर गुढ़ागोड़जी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं तीनों आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी तो स्थापना के बाद से ही विवादों में है। यूनिवर्सिटी की लापरवाही से दो छात्राओं का कैरियर का एक साल दांव पर लग गया है। हालांकि मामला दो छात्राओं का है। दरअसल दो छात्राएं इस बार यूनिवर्सिटी के तहत एमए फाइनल का पेपर प्राइवेट दे रही हैं। इन्होंने जब अपना परमिशन लेटर ऑनलाइन निकलवाया तो उसमें परीक्षा केंद्र SN महाविद्यालय नवलगढ़ लिखा था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने बिना कोई सूचना दिए इनका केंद्र बदल दिया, लेकिन जानकारी के अभाव में ये दोनों छात्राएं अपना पेपर रेगुलर छात्राओं के साथ SN कॉलेज में देती रहीं। बुधवार को इनका अंतिम पेपर था, जो केवल प्राइवेट छात्राओं को देना था। इन्हें कॉलेज में पेपर नहीं मिले। कॉलेज ने बताया कि अब तक भी इनका रिकॉर्ड कॉलेज के पास नहीं था, लेकिन परमिशन लेटर के लिहाज से इन्हें परीक्षा दिलवाई जा रही थी, परंतु पेपर नहीं होने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद एक छात्रा तो अपने घर लौट गई, दूसरी छात्रा को दूसरी जगह से पेपर लाकर परीक्षा दिलवाई गई। जब छानबीन की तो सामने आया कि इनका केंद्र मुकुंदगढ़ का रामकुमारी कॉलेज कर दिया गया है, जहाँ पर दोनों की लगातार अनुपस्थिति लग रही है। झुंझुनू के बगड़ के चौराहा बस स्टैंड पर बुधवार को आक्रोशित दुकानदारों ने जाम लगा दिया। मामला टूटी हुई सड़क का है। दरअसल इस रास्ते में स्टेट हाईवे निकल रहा है, लेकिन रोड टूटी होने से दिन भर धूल का गुबार बना रहता है। उस समय दुकानदारों का गुस्सा फूट गया, जब एक दुकान पर सड़क का पत्थर गाड़ी से उछलकर दुकान के शीशे पर आकर लगा और शीशा टूट गया। उसके बाद आक्रोशित दुकानदारों ने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे बगड़ SHO विश्वजीत सिंह ने समझाइश की, जिसके बाद जाम को हटाया गया। यहाँ क्या से पूरे दिन भर तो क्या है कि एकदम से जो गाड़ियाँ आती हैं बड़ी फास्ट जाती तो आगा उबर रहता है और कई दुकानों के यहाँ पर शीशे टूट गए हैं। आने जाने वाले कई यात्री कहते हैं कि वो कईयों के जैसे चोट लग जाती है क्योंकि स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं तो ये जो ककड़ जमाती गई अब तो एक ककड़ के लग। अजमेर के केकड़ी में श्रीराम अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र के तत्वाधान में हॉबी क्लासेज का आयोजन किया जा रहा है। राव अमर सिंह विद्यालय कैंपस में संचालित हॉबी क्लासेज में महिलाओं को मेहंदी, ड्राइंग, न्यू फोटो फ्रेम क्रिएशन, सिलाई, ढोलक, पार्लर, पेपर क्राफ्ट, क्ले आइटम, कसीदा, डांस, रंगोली सहित कार्ड मेकिंग का दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर सह प्रभारी प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि 15 मई से 26 मई तक दोपहर 3 से 4 बजे तक चलने वाली श्रीराम अन्नपूर्णा हॉबी क्लासेज में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।
अजमेर के केकड़ी सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में योग शिक्षक जेपी सोनी के सानिध्य में नियमित योग कक्षा में महिला पुरुष साधकों को योग प्राणायाम के गुर सिखाए जा रहे हैं। करीब 5 वर्षों से नियमित रूप से योग कक्षा जारी है। योग शिक्षक जेपी सोनी ने बताया कि वर्तमान में मनुष्य का जीवन भागम भाग वाली जिंदगी में मानसिक तनाव और दूषित खान पान से मानव जीवन कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। ऐसे में अगर स्वस्थ जीवन की कामना करनी है तो योग को अपनाना होगा। योग के माध्यम से कई जटिल बीमारियों का उपचार भी संभव है, लेकिन उसके लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। सोनी ने लोगों से अपील की है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर में भाग अवश्य लें। करौली शहर में बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा में 1500 महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा शहर के नगाड़खाना दरवाजे से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजार फूटाकोट, सीताबाड़ी, राधेश्याम फार्म हाउस होते हुए गोमती दास बाबा के मंदिर पहुंची। वहीं कलश यात्रा के साथ वजीरपुर गेट बाहर स्थित यादव वाटी गौशाला में श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया। जालौर के सायला उपखंड क्षेत्र के भांडवपुर तीर्थ में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्र संत जयंत सेन सूरीश्वर महाराज की मासिक पुण्यतिथि एवं सूरीपद अनुमोदना महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रथ यात्रा में सबसे आगे हाथी से सुसज्जित रथ चल रहे थे। वहीं रथों में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की गई थी। युवक गुरुदेव के जय जयकार लगाते हुए चल रहे थे, वहीं महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। रथ यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची। इस दौरान धर्म सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्राचार्य ने प्रवचन दिए। प्रवचन के दौरान अहिंसा परमो धर्म के बारे में विस्तार से बताया गया।